पिछले 10 साल से हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर हर वो जगह पे प्रोटेस्ट भी किए, धरने भी किए, चाहे वो हमारे डेली वेजेस को लेके हो, आशा वर्कर की बात हो, स्टेट हुड की बात हो, लोगों के स्मार्ट मीटर की बात हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, या हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी को लेके बात हो, या बढ़ते नशे के लिए बात हो। जब ये चीज़ें 10 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ी, तो जब इलेक्शन आने की बारी आई तो लोगों के अंदर जो रुझान देख के हमें काफ़ी जो है अचंभक लगा कि कश्मीर प्रोविंस के अंदर लोगों ने वन साइड फैसला कर दिया कि हमें कश्मीर के अंदर जो है बदलाव चाहिए। बदलाव के चलते वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत ही बड़ी बढ़त जो है वो पाई है। और जम्मू प्रोविंस के अंदर जब 10 साल में भाजपा सरकार सेंटर में रही, जम्मू के अंदर LG प्रशासन रहा, वो भी भाजपा का बनाया हुआ LG, तो मुझे बताइए यहाँ पे भी लोगों ने फिर भाजपा को ही चुना। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें जम्मू के अंदर हुई वो भाजपा ने अच्छा किया लोगों के लिए और आगे भी अच्छा करने वाले हैं। इतने खुशी से झूम के लोगों ने जो वोट डाले हैं, और जहाँ तो मुझे लगता है जिस तरीके से एक पैसों का तांडव या शराबों का तांडव या राशन का तांडव जो हुआ है, ये दर्शाता है कि हमारे जम्मू जो रीजन के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए या शराब के लिए या राशन के लिए या चंद कपड़ों के लिए अपना ज़मीर बेच देते हैं। और मुझे बताइए, अगर आपको इतने सालों से कभी रोडों पे, कभी अपना ब्रिज पे, कभी पुलों पे जाके हमने धरने प्रदर्शन रैली के रूप में अपने हकों की बात की, जब आज हक देने की बात आई तो चंद पैसे के लिए और शराब के लिए जो है अपने वोट आपने बेच दिए, तो मुझे लगता है कि अपना भविष्य, अपना फ्यूचर आप बेच चुके हो। और ख़ासकर मैं जम्मू के लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ करते रहोगे, कश्मीर वर्सेस जम्मू, कश्मीर वर्सेस जम्मू, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, लेकिन उस चक्कर में आप लोगों का जो स्टैंड है वो भी क्लियर नहीं, जिसके चलते आगे आने वाले दिनों में अब जम्मू के लिए क्या बेहतरी मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, वो आपके सामने दिख जाएगा। और हम लोग तब से दुकानदार हों, हमारे अपने नौजवान हों, हमारी माताएं बहनें हों जो काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं रोज़गार को लेके, अब देखता हूँ कितने रोज़गार आपको मिलेंगे, अब हम देखते हैं कि कब आपको स्टेट हुड मिलेगी, अब हम देखते हैं कब हमारी आशा वर्कर बहनों के मुद्दे हल होंगे, या हमारे लैंड ओनर्स के, डेली वेजर्स के मुद्दे हल होंगे, हम देखते हैं, हम भी देखेंगे। सनी जी, भाजपा ये कह रही है कि चाहे हम सत्ता में नहीं आए, सरकार हमारी नहीं बने, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इस बार खुश हैं क्योंकि 25 से 29 का आंकड़ा हमारा पहुँचा है। देखिए, वही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आखिरकार लोगों के अंदर इतनी खुशी किस बात की, जिस खुशी को लेकर उन्होंने वोट डाल दिए, या तो डेली वेजर पक्का कर दिए होंगे, या आशा वर्करों का वेतन बढ़ा दिया होगा, लैंड एंड डोनर्स को कंपनसेशन दे दिया होगा, या हमारे यहाँ पे स्मार्ट मीटर उतार दिए होंगे, या यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स के जो बोर्ड है वो उतारे होंगे, इसलिए उन्होंने उनको वोट दिया होगा। और इतनी खुशी किस बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि एक स्टेट को UT में कन्वर्ट कर दिया और LG साहब को इख्तियार पूरे दे दिए, और अब भी आप खुश हैं कि इन भाजपा वालों ने ऐसा काम किया। और आगे आने वाले दिनों में जितने आपने बढ़ के वोट डाले हैं ना, तो आप फिर रोनों पे मत आना कि हमारे घरों के बाहर चिपों वाला मीटर लगा दिया, पानी वाला मीटर लगा दिया, प्रॉपर्टी टैक्स का टैग लगा दिया, हमारे बच्चों की बेरोजगारी हो गई, हमारे यहाँ पे नशे बढ़ गए, फिर यहाँ पे रोड पे नहीं आना, आप भी उनके दरवाजों के अंदर घरों में घुस के जाना कि हमारे यहाँ पे ये हो रहा है, हमने आपको वोट डाले हैं तो उसका हिसाब दीजिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी हमें जो अफसोस लगा कि जो पैसों के दम पे बिके हैं, जो शराबों के दम पे बिके हैं, जो राशन के दम पे बिके हैं, वो कभी भी जम्मू का उतार नहीं चाहते, उनको सिर्फ इसी चीज़ की लालच थी जो उन्होंने 10-20 दिन के अंदर लिया और 5 साल तक अपना बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। आप भी अलायंस का हिस्सा हैं और जी, अलायंस की सरकार बनने जा रही है, इस पर आपको खुशी नहीं है? देखिए, सरकार बनने की खुशी है, लेकिन स्टेट हो तो फिर उससे डबल खुशी होगी। इस LG प्रशासन में जब इतने इख्तियार उनको दे दिए हैं, यहाँ पे CM जो होगा हमारा वो भी एक म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेटर के बराबर होगा, तो खुशी तो है, लेकिन डबल नहीं, सिंगल खुशी, एक सरकार बनने की, दूसरी खुशी नहीं है जो स्टेट हमें वापस नहीं मिली। दिल्ली जैसी हालात अगर यहाँ रहेगी तो क्या करना हमने CM को, तो क्या करना हमने मंत्रियों को। अगर यहाँ पे हमारी स्टेट, हमारी रियासत हमें मिली, तो मैं कहता हूँ कि सब कुछ जो है जम्मू कश्मीर का उद्धार हो सकता है, वरना हम भी दिल्ली की तरह CM को कभी अंदर डाल दिया, कभी मिनिस्टर को अंदर डाल दिया, कभी MLA के घर पे छापा मार दिया, तो किस चीज़ की सरकार, कैसी सरकार। हमें अगर लड़ाई लड़नी होगी अब, तो वो सिर्फ स्टेट के लिए, स्टेट मिलेगी तो हमारी जो पावर्स हैं जो सरकारों की वो बढ़ेगी, वरना हम भी वैसे जैसे पहले रोडों पे थे तो आज भी होंगे, सिर्फ नाम और टैग चेंज है, बाकी हालात वैसे की वैसी रहेगी, ये आने वाले दिनों पे आप देख सकते हैं, और इसकी लड़ाई जो है हम लड़ेंगे। सनी जी, आपको लगता है कि इस बार कश्मीर के लोगों ने बड़ा सोच समझ कर अपना वोट डाला है और जम्मू के मुकाबले में, क्योंकि जम्मू के लोग शायद मूर्ख बने? देखिए, कश्मीर के लोगों को मैं पहले से ही, मैं उनको मुबारकबाद देता था और सल्यूट करता था,
कि वाकया कश्मीर के लोग हैं जो अपने हक के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए और अपने अधिकार के लिए लड़े लड़ते हैं। यहाँ पे एक जा रहा है किसी के पास, दूसरा किसी के पास, तीसरा किसी के पास, और अपने अपने मुफाद के लिए, फायदे के लिए कभी किसी से ठेकेदारी करते हैं। लेकिन कश्मीर वालों ने आज साबित कर दिया कि अगर हमें अपना कश्मीर या अपना जम्मू कश्मीर को सेव करना है तो हमें एक होना पड़ेगा। आज उन्होंने दिखा दिया कि अपने दम पे सरकार कैसे बनाई जाती है। लेकिन जम्मू वाले ये कभी नहीं समझेंगे, चाहे इनके बच्चे रोड़ों पे भीख मांगे, चाहे बाहर से लोग आके इनके घरों के साथ जो है अपने मकान बना के खड़े हों, चाहे बाहर से लोग आके अपने वोटर, अपने राशन कार्ड, अपने मकान या अपना डोमिसाइल बना के इनकी नौकरियां खाने की जब नौबत आएगी तब जाके इनसे पूछा जाएगा कि अब बताइए अब आप क्या चाहते हो। धन्यवाद।